हे गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। प्लीज चेक क्लास स्टार्ट हो गया है कि नहीं। एंड टुडे इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो आर यू रेडी फॉर दिस? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यस, वी आर लाइव आई गेस। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एंड कल वाला सेशन आपको बहुत पसंद आया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, एक बार पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टाइम मैं फिर से लेके आऊँगा किसी डिफरेंट राइटर का, डिफरेंट न्यूज़पेपर, डिफरेंट मैगजीन का, राइट? सो दैट एक ही टॉपिक को इतना पढ़ लो कि अगर उसका ग्रुप डिस्कशन हो, इंटरव्यू, यू नो, ऐसे राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यू शुड बी रेडी। व्हाट डू यू थिंक गाइस? दैट्स माई काइंड ऑफ थिंग, माई टाइप ऑफ स्टडिंग, यू नो। डू यू एग्री? डू यू कॉन्कर? ओके, बताइए सब लोग एक ही टॉपिक को। और चलो ठीक है, मैं कितना करा पाता हूँ, मेरी लिमिटेशंस हैं, लेकिन आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है। यू कैन स्टडी। रेज योर हैंड, कितने लोगों के दिमाग में आया था कि आई थिंक स्टडी दिस टॉपिक अगेन, सम अदर न्यूज़पेपर, सम अदर ऑथर, सम अदर आर्टिकल। एक आइडिया को डिफरेंट बुक से पढ़ा करो, एक क्वेश्चन को डिफरेंट बुक से पढ़ा करो, एक क्वेश्चन को डिफरेंट टीचर से पढ़ा करो, ठीक है? Different different people, different different books, different different resources give you a perspective, a overall idea. Revision भी हो जाएगा, कुछ नया मसाला मिल जाएगा। All right? चलिए वीडियो शेयर कर दीजिए सब लोग। Let's start the story. So this is my information guys, and ठीक है, आज 1 बजे हम लोग स्पेशल सेशन रखेंगे, हमारा बैच लॉन्च हो रहा है। विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन। टीम नासा, ओके, टीम नासा को कोड लगा करके आप 10% डिस्काउंट ले लीजिए। और हमारा ये वाला बैच का पार्ट 2 रेडी है, डोंट मिस दिस पार्ट 2, ठीक है? जो हमने फेव 2021 में पढ़ा था उसकी वैल्यू थी 10 मार्क्स, ठीक है, अगर देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी वैल्यू है 20 मार्क्स। सो बेसिकली इन मार्च मंथ प्लस कोर्स पेड क्लासेस 20 कुछ मार्क्स आपको दिलाने वाला हूँ मैं, 20 मार्क्स की कहानियाँ पढ़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है? तो पूरा 30 हो गया। चलिए, और टॉप एजुकेटर के बहुत सारे टॉप बैचेस आ गए हैं गाइस, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd मार्च, ठीक है, हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है? 5th मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो आई एम श्योर जो लोग ऑलरेडी प्लस पे हैं, ठीक है, ग्रेट, ठीक है, वेट फॉर टुमारो, है ना, 4 PM इंग्लिश क्लास, अबजी सर का पता करेंगे, और वो अबजी सर बता देंगे आपको, एंड अमित सर भी बता देंगे। बट फिर जब बात आती है, राइट, जो लोग प्लस पे नहीं हैं, ठीक है, आप भी आ जाइए, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपको पता ही चल गया है, बेस्ट एजुकेटर्स हैं हर जगह। ऑलराइट, और ये इसको नेक्स्ट बैंक कॉम्बैट कब से हो रहा है आपको पता है? ठीक है, 7th मार्च को हो रहा है। तो यार ये तो बल्ले ही बल्ले है एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए। एक तो आप क्या करो, टेस्ट दो, और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो पैसे भी लो, ठीक है, यू विल गेट प्राइजेस। तो अनअकैडमी वांट्स यू टू बी प्रिपेयर्ड, अनअकैडमी, वी एट अनअकैडमी वांट टू सी यू अ चैम्पियंस, ओके। चलिए, इसलिए हम आपको इनकरेज कर रहे हैं, 10 AM पे होगा, 7th मार्च को होगा। अगर यहाँ पे जब कोड आपसे पूछा जाए ना, तो ये फ्री है बाय द वे, देर इज नो चार्जेस फॉर दिस। तो टीम नासा आपको कोड लगाना है। ऑलराइट, कोड आपको कौन सा लगाना है? टीम नासा। दिस वे वी विल नो कि यू आर आवर स्टूडेंट, वी विल टेक केयर ऑफ यू। सबमिशन प्लान चल रहा है, देखिए बैंक एग्जाम्स के, 1 मंथ का है 1300 रुपये, 6 मंथ का 5200 रुपये हो गया, और 12 मंथ का 6500। सी इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, तो गो फॉर 1 ईयर एटलीस्ट। All set, let's crack it. तो first paragraph on your screen, my friend. अच्छा एक बात बताओ, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि 10 life lessons a student can learn from Sachin Tendulkar's life. कितने लोगों ने देखा था? आपको पसंद आया था क्या? जरूर बताइएगा, ठीक है, अपना कमेंट कर देना उस वीडियो पे। अच्छा एक और बात, मैंने उस वीडियो पे एक क्वेश्चन पूछा था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन था वो, सचिन वाले वीडियो में, सचिन तेंदुलकर वाले वीडियो में, इसी चैनल पर कल पब्लिश किया था, रिकॉर्डेड वीडियो था, उसमें क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, प्लान ए
और प्लान भी, दोनों लेके चलना चाहिए या सिर्फ एक प्लान लेके चलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है। ठीक है, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगा, प्लान ए वर्सेज प्लान बी, बट अपना उस पर ओपिनियन दीजिए, वो आपके लिए है। समझ में आ रहे हो कि नहीं? इग्नोर मत किया कीजिए। हम अगर यहाँ खड़े होके कुछ हाथ चलाते हैं ना, उसके पीछे मेहनत भी होती है, और बेवजह मेहनत हम क्यों करेंगे? कुछ ना कुछ थॉट होगा, कोई आइडिया होगा, कोई सोच होगी। ओके, चलिए, नाउ गो फॉर इट। आ जाइए सब लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाय तुषार, गुड मॉर्निंग। वंडरफुल, आई एम लविंग योर एंथुसियाज्म गाइस। वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू गाइस इन द हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को बहुत आगे ले जाना है, नंबर वन बनाना है गाइस। हाउ मेनी एरर गाइस, बताइए कितना एरर निकाल सकते हो आप? वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, आज एक नया एरर देखिए कि कौन सी नई कहानी मिली और कौन सी ओल्ड कहानी थी। उज्ज्वल साहब ने 5 किया है। व्हाट अबाउट द अदर गाइस, कम ऑन, दिस इज योर बेस्ट क्लास, दिस इज योर फेवरेट क्लास। एक पैराग्राफ में इतना सारा एरर मिलता है, इतना सारा रिवीजन होता है। ऑलराइट, आर यू गाइस डन? ओके, सम ऑफ यू आर 6 एरर, 7 एरर, ओके, 8 एरर। कौन है? प्रियंका गहलोत है। व्हाट अबाउट द अदर गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? मेरे को ऐसा फील होता है कि द हिंदू क्लास पूरा दिन पढ़ाता रहूं, ठीक है, मैं कभी बोर नहीं हो सकता इस क्लास से। और जब मेरे को पूरा दिन पढ़ाना होगा तो सोचिए कितने टाइप के क्वेश्चंस, कितनी कहानियां लेके आ सकता हूं। एक दिन करें क्या ऐसा? व्हाट यू थिंक गाइस, एक बार बताओ ना, लाइक 4-5 घंटे कम से कम सिर्फ द हिंदू क्लास पे ही। अब छोटा आर्टिकल नहीं लेके आएंगे, हम बड़ा आर्टिकल लेके आएंगे, आरसी क्वेश्चंस, पैराजंबल क्वेश्चन, फिलर्स क्वेश्चन, ओके, ऑड वन आउट क्वेश्चन, मतलब किताबों में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हम सारे कर सकते हैं। थोड़ा हिम्मत चाहिए करने के लिए, थोड़ा प्रिपरेशन चाहिए, प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा चाहिए,
लेकिन मुझे लगता है हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो कभी बोर नहीं होता, व्हाट अबाउट यू। चलिए काम की बात करते हैं, आओ सब लोग। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब करेंगे दोस्त, ठीक है। सो ओवर फोर इयर्स आफ्टर द हिस्टोरिकल, देखो हिस्टोरिकल वर्सेस हिस्टोरिक, टुडे आई हैव वाउ फैक्टर। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू आर ए वाउ फैक्टर फैन प्लीज कमेंट, ठीक है। द न्यू गाइस इन द हाउस पे अटेंशन, हिस्टोरिकल वर्सेस HISTORIC examiner favorite. Historic means very important, having you know great importance on life, on society, on history. समझ गया, बहुत ज्यादा importance वाला। और this historical मतलब history 1980 1600 102 120 BC, okay? तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, पुराना ओल्ड हिस्ट्री से, और ये इंपॉर्टेंस को लेकर के अगर जानते हो तो थम्स अप दे दो। थम्स अप ही थम्स अप होना चाहिए कमेंट सेक्शन में, कम ऑन, थैंक यू। मुझे पता है आप जानते हो गए यार, लेकिन फिर भी ये हमारे हीरे मोती हैं, तो मैं प्राउड क्यों ना फील करूं, ये सब मेरी जान है, मैं क्यों ना मरूं, समझ रहे हो। चलिए हिस्टोरिकल ये तो हो गया, अब मेरे पास एक दूसरा वाला वाव फैक्टर भी है गाइस। गुड जॉब, रुक जाओ। तो हमें क्या चाहिए, हिस्टोरिक चाहिए, इंपॉर्टेंट वाला। रेफरेंडम, रेफरेंडम होता है जब हम लोगों की ओपिनियन लेते हैं, द द द वोट ऑफ पीपल, द ओपिनियन ऑफ द पीपल कि क्या करना चाहिए। क्या हमें संडे को 5 घंटे का द हिंदू का क्लास करना चाहिए, शैल बी गो फॉर 5 आवर क्लास द हिंदू क्लास ऑन संडे, और ओनली 1 आवर क्लास, लेट्स टेक अ रेफरेंडम, द ओपिनियन ऑफ पीपल, ओके रेफरेंडम। बट द अदर वर्ड, द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, जो लोग जानता है प्लीज रेज योर हैंड, PLEBISCITE, प्लेबिसाइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, ट्रस्ट मी माई फ्रेंड, प्लीज लिख लेना, जानते थे तो दिल बनाना और नहीं जानते तो लिख देना कि यस सर लिख लिया, नोट डाउन, कम ऑन। चलिए मेरा फ्रेंड, PLEBI, ओके SCITE, प्लेबिसाइट। तो प्लेबिसाइट और रेफरेंडम आर सिनोनिम, और दोनों एग्जाम में इतने ज्यादा आते हैं जिसका जवाब नहीं तो हम आपको बता दिए हैं, ठीक है, थैंक यू। सो फोर इयर्स ओवर, हिस्टोरिक रेफरेंडम हेल्ड इन 2016, टाइम एडवर्ब है तो हमारा पास सिंपल होगा, थैंक यू, बिकॉज ऑफ दिस टाइम एडवर्ब दिस विल बी पास सिंपल। ऑलराइट, वेयर सिटीजन्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम डिसाइडेड टू लीव यूरोपियन यूनियन। ऑलराइट, अब द यूरोपियन यूनियन, द EU, नाम में जब यूनियन होता है, यूनाइटेड होता है, और राइट किंगडम वगैरह होता है तो आर्टिकल द आता है, सो द यूरोपियन यूनियन। कितने लोगों ने कर दिया, वैष्णवी शर्मा, कीप इट अप, कीप इट अप माय फ्रेंड, यही एटीट्यूड आपको आगे ले जाएगा। डिसाइडेड टू लीव द यूरोपियन यूनियन इन डिसंबर 2020, द UK एंड द EU फाइनली स्ट्रक अ प्रोविजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हुआ एज पार्ट ऑफ देयर, दिस शुड बी TEI, देयर ब्रेक्सिट डील। अरे दो लोग हैं ना, यूरोपियन यूनियन है, UK है, नाराज कला, टू गाइस प्लूरल, राइट। चलिए, व्हाइल द रिसेंटली कंक्लूडेड, अभी अभी जो हुआ है, रिसेंटली कंक्लूडेड ट्रेड एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट चार्टेड आउट, चार्ट आउट का मतलब होता है टू मेक अ प्लान, इट्स अ फ्रेजल वर्ब, नोट डाउन प्लीज, लेट्स चार्ट आउट अ प्लान, ठीक है। तो तुम एक प्लान बनाते हो, प्लानिंग करते हो, चार्ट आउट होता है, गुड जॉब गाइस। चलिए चलिए, द की एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीडे गवर्नेंस एंड द रूल्स फॉर इन्फॉर्मेशन बिटवीन द टू पार्टीज एट अ ब्रॉडर लेवल, ओके। द UK मे नाउ बी फोर्स टू फेस द कॉन्स्ट्रेंट्स,
CONSTRAINTS, constraints means problems, impediments, obstacles, badhaen. Right? Spelling error. It has originally escaped. All right. It has, had hona chahiye. It should be the past perfect, na? Had. Because past, we are talking about the past, na? That's why. Spelling error. Good job. It had originally escaped when the beginning of the 19th century. Now, when is like a one point of time. When, one time. Or since origin of time as well. When fixed time is given. So, we are talking about origin. Not but one particular point. We are talking about origin. When, alright. So, we need since the beginning of 19th century, Britain had the most unique. Oh, ho, 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 ho. My friend, unique is a complete word, complete adjective. It does not take any degree of comparison. ये comparison नहीं करता है. Unique, unique होता है. Less unique, most unique, more unique नहीं होता है. चलो एक student का नाम लेते हैं. Let's say Vignesh Karthik is, you know, more unique person. Now, you are like, नहीं sir, he is most unique person. Very regular in the class, very hardworking student. तो most और मोर ये हम नहीं लगाते हैं. इट बिकम्स ऑकवर्ड. देर आर सर्टेन एडजेक्टिव, दे डू नॉट टेक डिग्री ऑफ कंपैरिजन. दे आर कंप्लीट. ऑलराइट. तो मोस्ट को यहां पे यस 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 ऑकवर्ड हो जाता है. ऑफ द रिलीविंग इट्स अ कॉन्स्टेंट. ओके. ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना. एनर्जी एंड पावर. बट विद ब्रेक्सिट इन प्लेस द कंट्री मे हैव टू एवेल्युएट इट्स लिमिटेशंस. ITS. It's the limitations. चलिए तो यही पढ़ लेते हैं. Over 4 years after the historical referendum held in 2016, चार साल ठीक है के बाद में ये जो हमने बहुत important historic ठीक importance value वाला referendum किया था, जहाँ पे कि citizens of UK and Ireland decided to leave EU, उन्होंने बोला कि हम ठीक है यूनियन प्रिंस से अलग हो जाते हैं इन दिसंबर 2020 में. तो UK and EU finally struck a provisional free trade agreement. उन्होंने बोला कि दोनों कंट्रीज आपस में, दोनों ठीक है टेरिटरीज आपस में फ्री ट्रेड करते रहेंगे. यूर यू फाइनली ओके एज पार्ट ऑफ देयर ब्रेक्सिट डील हुआ था. वाइल द रिसेंटली कंक्लूडेड ट्रेड एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट चार्टेड आउट द की एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीडे गवर्नेंस एंड द रूल्स फॉर द एनफोर्समेंट बिटवीन द टू पार्टीज एट अ ब्रॉडर लेवल, द यूके मे नाउ बी फोर्स्ड टू फेस द कॉन्स्टेंट इट हैड ओरिजिनली एस्केप्ड. यूके में अब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जो पहले वो बच गया था. अभी दोनों कंट्रीज ने क्या करा है, ट्रेड एग्रीमेंट बनाया है, सारा कुछ प्लान बनाया है कि ऐसे ट्रेड करेंगे और फ्री ट्रेड होगा दोनों तरफ से, लेकिन यूके को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. थैंक यू. ऑलराइट. सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटेन हैड द यूनिक एडवांटेज ऑफ रिलीविंग इट्स कंसर्न ऑन लैंड एनर्जी ठीक है लैंड एनर्जी एंड पावर ठीक है. वो बड़ी आसानी से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता था. बट विद ब्रेक्सिट इन प्लेस द कंट्री मे हैव टू एवेल्युएट इट्स लिमिटेशंस. अब 19th सेंचुरी से ब्रिटेन मजे ले रहा था जी. अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. ये मेरे घर में तू क्यों घुसा, ये मेरी जमीन है तू इधर क्यों आया, अब झगड़ा होगा. ऑलराइट. रेफरेंडम अ जनरल वोट बाय द इलेक्टोरेट ऑन अ सिंगल इलेक्टोरेट अनदर वाव फैक्टर फॉर. कितने लोगों को इलेक्टोरेट देखते ही वाव फैक्टर याद आ गया है, थम्सअप ताली और दिल बनाइए. सबको पता चलना चाहिए कि तुम्हें बहुत नॉलेज है, तुम्हें काम की नॉलेज है, बहुत नॉलेज नहीं है, काम की नॉलेज है तुम्हें. बताइए सब लोग, कम ऑन. इलेक्टोरेट देखते ही तुम्हें कौन सा वाव फैक्टर याद आया, हैशटैग वाव फैक्टर, हैशटैग वाव फैक्टर, कम ऑन. इसको देखते ही पढ़ाए हैं हम. ओके. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 1000 टाइम्स. इलेक्टोरेट इज मींस वोटर्स. ऑलरेडी प्लूरल, ऑलरेडी प्लूरल. एग्जामिनर इलेक्टोरेट्स लिखता है. एग्जामिनर क्या लिखता है, इलेक्टोरेट्स. आपको लगेगा हाँ जी वोटर्स ठीक है जी सब चंगा सी, बट एक्चुअली इट इज नॉट. सो इलेक्टोरेट मींस, आई मीन इट्स अ प्लूरल और इट मींस वोटर्स. तुम, मैं और वो ठीक है, वोटर्स. कुछ दिन पहले डिस्कस हुआ था. थैंक यू. जो लोग पहली बार सुन रहा है लिख रहे हो कि नहीं, फर्स्ट टाइम कितना लोग क्लास में ये कहानियां सुन रहा है वाव फैक्टर, लिख रहे हो कि नहीं, नहीं लिख रहे हो तो काई टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर. ठीक है, प्लीज नोट डाउन. तो जब भी कुछ एक्स्ट्रा बात होगी
अबे तुम यार नॉलेज के लिए तो आयो ना इस क्लास में, कुछ ऐसी कहानी सुनने आयो जो एक नंबर दे जाए, क्लैरिटी दे जाए, ऑसमनेस दे जाए। अब वो मुझे इस एग्जाम्पल में मिले या यहाँ मिले क्या फर्क पड़ता है? ओके तो अ जनरल वोट बाय द वोटर्स ऑन अ सिंगल पॉलिटिकल क्वेश्चन विच हैज बीन रेफर टू देम फॉर अ डायरेक्ट डिसीजन, कॉन्स्टेंट्स, लिमिटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। चलिए, चार्ट आउट टू एस्टेब्लिश अ प्लान, मेथड और कोर्स ऑफ समथिंग इफ यू वांट टू बी अ टॉपर। ओके, यू शुड चार्ट आउट अ शेड्यूल, एक शेड्यूल बनाना चाहिए। ऑलराइट, नंबर टू, एंजॉय द शो। हाउ्स द क्लास, मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए, लिखते रहिए मेरे दोस्त। कीप इट अप, कीप इट अप। मयूरी, आई एम प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप, कीप इट अप। देखिए, लाइक नहीं कर रहे हैं, घोटाला हो रहा है, देखने वाले ज्यादा हैं, लाइक्स कम हैं। ये कौन है? लेजी पीपल और क्रेजी पीपल। दीपशिका, प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप। ऐसे लोग चाहिए मुझे, हद क्रेजी पीपल, जो सब हदें पार कर जाएं, फिर भगवान उन्हीं को गले लगाता है जो सच्चे दिल से काम करते हैं, एक्साइटेड होकर काम करते हैं, सच्चा सपना देखते हैं। वैष्णवी शर्मा जी, थैंक यू मैडम फॉर योर सपोर्ट, इट मीन्स अ लॉट टू मी, फॉर अस। बाकी मैं अपनी कहानियाँ बहुत सुनाऊंगा आपको मैडम, तो इस लाइक का जो मैं कर्ज चुकाऊंगा, ठीक है, जो तुम शेयर करते हो, ठीक है, उसमें आपको शेयर मिलेगा, ठीक है। जिंदगी आपको बहुत डिविडेंड देगी, डो नॉट वरी। जिंदगी देगी नहीं देगी पता नहीं, बट मैं दूंगा दोस्त। भाई लोग, क्या 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 गंदगी फैलाए हो बे, ए में के मिस्टेक बता रहे हो, जबकि तुम रट्टू तोता हो क्या? अभी अभी तो मैं आपको प्राउड फील कर रहा था, और अभी अभी तुम ब्लैंक दिए। हाँ, नॉट अ सिंगल पर्सन गॉट इट राइट। यार कौन सा क्वेश्चन चल रहा है ये, सीरियसली? लक्ष्मी कुमारी जी, थैंक यू मैडम, आई कैन सी योर कमिटमेंट, ठीक है। अबे चल क्या रहा है मोहल्ले में? पवनजीत कौर, द ओनली गाइडिंग लाइट इन दिस क्लास। कौर साहब के लिए तालियां बजाइए सब लोग, कौर जी के लिए। अब क्वेश्चन पूछिए अपना, कीप योर डाउट्स रेडी। तो कम मारते हो बे, इतना इजी था, डिफिकल्ट होता मैं नहीं डांटता, ठीक है। कम ऑन, एज हिस्टोरियन केनेथ पॉमेस आर्ग्यूज, ठीक है, इन हिज बुक। अबे अगर कोई बुक है तो क्या वो ट्रू स्टोरी नहीं है? अगर वो ट्रू स्टोरी है तो क्या वो प्रेजेंट सिंपल नहीं है? एज हिस्टोरियन केनेथ पॉमेस आर्ग्यूज इन हिज बुक द ग्रेट डाइवर्जेंस ब्रिटेन 19th सेंचुरी, दिस, ठीक है, इन द 19th सेंचुरी, सॉल्व इट इस लैंड प्रॉब्लम बाय एंकरिंग घोस्ट हेक्टेयर्स इन द अमेरिकाज, वेयर इट कुड एक्सप्लॉइट द लैंड, लेबर एंड कैपिटल ऑफ द कॉन्टिनेंट। विद ब्रेक्सिट हाउएवर द यूके मे नाउ हैव टू फाइंड कंटेम्प्रेरी घोस्ट हेक्टेयर्स थ्रू इट्स ट्रेड डील्स, द मैन स्ट्रीमिंग ऑफ कोल एंड ऑयल इन द 20th सेंचुरी इंश्योर्ड दैट द ब्रिटेन्स फैंटम लैंड कुड बी मेंटेन इन अदर वेज, ठीक है। उसको घोस्ट हेक्टेयर्स बोल दिया है क्योंकि उसमें समझ गए ना किसी का कंट्रोल नहीं है, और यूके उसके मजे लेता था।
अब उसको प्रॉब्लम होगी. एज वेरियस पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स हैव नोटेड कंट्रीज लाइक इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड. अरे बाबा, ड्यूरिंग लिखा है और पीरियड भी लिखा है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? डोंट यू फील अशेम्ड? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इज रॉन्ग. ड्यूरिंग इज ड्यूरिंग, पीरियड इज पीरियड, समझ गया? टाइम इज टाइम. सुपरफ्लुअस, अननेसेसरी, ऑकवर्ड. ठीक है श्रीजा भी, हाँ राइट. देखो ये हम पढ़ाए कि नहीं, यस और नो? अगर पढ़ाए हैं तो सॉरी बोलिएगा. और दूसरी बात सुनिए, ऑल द बुलेट ट्रेन फैन इन द हाउस, तुम एज क्यों नहीं देखे? जब एज लगा होता है तो कितनी बार हमको बोले हैं कि देयर फोर नहीं आता, सो नहीं आता, हैंस नहीं आता, तेरे घर अखबार नहीं आता. बोलो, सॉरी बोलिएगा. देखो अगर डेली की बात है तो सॉरी बोलना पड़ेगा, नई बात है तो मैं पढ़ाऊंगा ना. ठीक है, आई विल इंट्रोड्यूस. जब एज स्टार्टिंग में लिखा हो तो कॉमा के बाद में हम सो नहीं लगाते, देयरफॉर नहीं लगाते, हैंस नहीं लगाते. ये भी पढ़ाया है और ये भी बार बार पढ़ाया है. एक फोटो आता है फेसबुक पे, तीन आंखें लगी होती हैं, ऐश्वर्या राय, दीपिका और प्रियंका, तुरंत पहचान लेते हो. बॉडी भी नहीं है, मतलब कुछ और देख के तुम पहचानो, डायरेक्ट आंखें देख के पहचान लेते हो, है ऐश्वर्या है. यहां पे एक ड्यूरिंग लिखा है, पीरियड लिखा है, यहां कोई नहीं पहचान पा रहा है, जबकि 100 बार पढ़ाया भी गया है. शर्म करो. ठीक है, जिस तरह से तुम्हें मोहब्बत ऐश्वर्या से, दीपिका से, प्रियंका से हो रखी है, वैसी मोहब्बत यहां भी तो कर लो. वो तुम्हें कुछ नहीं देके जाएंगे, दिल तोड़ के जाएंगे. और ये तुम्हें जिंदगी देगा, रिस्पेक्ट देगा, पैसा देगा, पैसा. चलिए बाकी आपकी मर्जी है. सो दिस इज रॉन्ग, और ये वाला पार्ट इज रॉन्ग. इंश्योर्ड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एंड रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन विद अ हैवी डिपेंडेंट, नहीं होगा, हैवी डिपेंडेंसी होगा. वी नीड नाउन, वी नीड नाउन. ऑलराइट, चलिए अब इधर आ जाइए. एज हिस्टोरियन केनेथ पामर आर्ग्यूज इन हिज बुक द ग्रेट डाइवर्जेंस, जो हुआ 9th century में, उसने सॉल्व कर दिया था, किसने? इस सब्जेक्ट ने, ये वर्ब को. उनकी बुक में लिखा हुआ है कि ग्रेट डाइवर्जेंस हुआ था उस टाइम पे 19th century, उसने सॉल्व कर दिया था पास्ट में. इट्स अ लैंड प्रॉब्लम बाय एंकरिंग घोस्ट एक्टर्स इन द अमेरिकास, घोस्ट एक्टर्स इन द अमेरिकास. ऑलराइट, बाकी सब सही है. ये गलत था, ये गलत था, डिपेंडेंसी चाहिए था, हैवी एडजेक्टिव है. चलिए नंबर नेक्स्ट चलते हैं. बेवजह का कन्फ्यूजन मत पालो. एग्री और आर्ग्यू में कैसे कन्फ्यूजन हो सकता है भाई? कोई बंदा, ठीक है, किसी बात को डिस्कस कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, और किसी बात से एग्री कर रहा है, तो अलग बातें हैं. पीपल डिस्कस एन आइडिया, ओके. चलिए नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट, अरे वो खुद की बुक में आर्ग्यू नहीं कर रहा है, वो एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा है, ये समझिए आप. अच्छा हाँ, चलो ये कहानी देख रहे हैं. डिड यू नो? ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम. घोस्ट एक्टर्स रेफर्स टू द एरिया ऑफ लैंड अब्रॉड दैट यूज टू ग्रो फीड फॉर एनिमल्स विद इन अ कंट्री. ठीक है, घोस्ट एक्टर्स क्लियर हो गया? ठीक है, घोस्ट एक्टर्स रेफर्स टू द एरिया ऑफ लैंड अब्रॉड, ठीक है, दैट इज यूज टू ग्रो फीड फॉर एनिमल्स विद इन अ कंट्री.
चलिए नंबर थ्री और बर्न आउट, रिमोट हैंग हो रहा है मेरा। चलिए गाइज, एक क्लास है 12 बजे, आप पैरा जंबल का रिक्वेस्ट कर रहे थे ना, पैरा जंबल आज 12 बजे अटेंड करना सबके सब लोग, पूरे 60 के 60 लोग आने चाहिए। आपके लिए स्पेशल सेशन लेके आया हूँ मैं, ठीक है। अभी हट रहा हूँ मैं स्क्रीन से, अभी हट रहा हूँ, रुक जाइए, डांटना मत। पैरा जंबल स्पेशल सेशन, ओके। टाइम क्या है? 12 to 1 PM। आर वी ओके? दिस चैनल यहीं पे होगा 12 बजे। ऑसम क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, बहुत डिटेल में डिस्कशन कराऊंगा मैं आपको, निंजा टेक्निक से भी पैरा जंबल पढ़ाऊंगा, तो उसको मिस मत करना। कैन बी हैव अ डील ऑल द गाइज, 12 बजे अपने आप ऑनलाइन हो जाना, ठीक है। अभी इवेंट क्रिएट हो रहा है, चलिए। हाँ, नाउ फोकस ऑन दिस वन। तो हमारी स्टोरी यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के बीच में चल रही है, लैंड को लेकर चल रही है, एंड ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के चल रहा है। कुछ लोग सी कर रहे हैं, इट वॉज नॉट अंटिल 1970 दैट द यूके स्टार्टेड टेकिंग स्टेप टू मूव फ्रॉम बीइंग नेट इंपोर्टर ऑफ एनर्जी टू अ नेट एक्सपोर्टर एनर्जी, ठीक है। व्हाइल दिस डिपेंडेंसी ऑन एनर्जी ग्रोस टेक्टर्स कंटिन्यूज इवन टुडे, द डिस्कवरी एंड द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी कोल इन इंग्लैंड एंड वेल्स लेड टू द क्रिएशन ऑफ इट्स ओन एनर्जी सिस्टम, ठीक है। तो उनके पास, यूके के पास में जो लैंड है वहाँ पर उनको एनर्जी मिला है, और राइट, ठीक है। डिस्पाइट द यूफोरिक रिसेप्शन, वो यूफोरिक मत होता है फुल ऑन हैप्पीनेस, EU, good happiness. Rishabh Jaiswal, okay. ठीक है। Despite the euphoric reception for the fresh terms of Britain's withdrawal from EU, ठीक है। Euphoric reception मतलब बहुत happily लोगों ने किया है कि European Union से UK अलग हो गया है, और यहाँ पर despite लगा हुआ है, notice कीजिए कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के बावजूद भी, ठीक है। रिजन टू द फ्रेश टर्म्स ऑफ ब्रिटेन्स विड्रॉल फ्रॉम यू एग्रीड ऑन थर्सडे, आपको क्या लगता है कि ये अभी अभी हुआ है? ये तो 4 साल पहले हुआ था, नोटिस किया आप लोगों ने? ये अभी थोड़े, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वॉज फोर्स टू सीक एन एक्सटेंशन टू द एक्ट ऑफ 30। ये कहानी तो 4 साल के बाद की डिस्कस हो रही है यहाँ पे ना, पूरे पैराग्राफ में। ये तो, ये जो अलग होने वाला जो जो प्लेबिसाइट हुआ था, रेफरेंडम हुआ था, तो 4 ईयर्स पहले हो गया था, ये कह रहा है कि अभी अभी हुआ है, ठीक है, नोटिस कीजिए। नेवरदलेस एनालिसिस रिवील दैट फॉर द फर्स्ट टाइम द यूके जनरेटेड मोर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल, इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल, ऑलराइट, कोल, ठीक है, एनर्जी, तो ए और सी बिल्कुल सही चल रहा है। फ्यूल, वाइल दिस इज अ वेलकम स्टेप द यूकेस प्रेजेंस एट नेशंस क्लाइमेट चेंज, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड एनर्जी, एनर्जी कोल, कोल पावर, पावर यहाँ डिस्कस हो रहा है सेम। और ये कह रहा है कि उससे अलग होने की बात अचानक से बीच में कहाँ से आ गई? एनर्जी, एनर्जी का कंटिन्यूशन चाहिए ना बाबा, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, गंगा बहनी चाहिए। एग्री करते हो, टाइप एग्री इन द कमेंट सेक्शन, कुछ भी बोलते हो यार। क्या एनर्जी का कंटिन्यूशन, एनर्जी इजी नहीं था? अब बहुत सारे लोग ई करेंगे, ठीक है, दर्द होगा ना कि गलत हुआ है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस इंडिकेटेड कमिटमेंट अबाउट द पेरिस एग्रीमेंट, अ लॉट इज टू बी अचीव्ड, द विथड्रॉल ऑफ द यूके फ्रॉम द ईयू ओनली कॉम्प्लिकेट्स द इशू, द एंकरिंग ऑफ कोस्टल घोस्ट एक्ट्स बाय ऑफशोर विंड, ऑफशोर विंड पता है कौन सी होती है, ठीक है, ये चलिए समंदर है, ठीक है, और ये क्या है, लैंड एरिया है। तो
तो यहाँ से जो इधर हवाएं चलती हैं, ठीक है, लैंड से इधर की तरफ, उन्हें ऑब्सॉर्बेंट बोलते हैं, लैंड से समंदर की तरफ। इन एग्जाम्पल ऑफ द चॉइस ऑफ द कंट्री विल बी फोर्स टू वे अप। चलिए, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, ऑफशोर ऑफ अ विंड ब्लोइंग टुवर्ड्स द सी। चलिए मैं समंदर फिर से बनाता हूँ, ठीक है, और इधर देखिए बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत बड़ी बिल्डिंग। तो यहाँ से जो हवा चल रही है इस तरफ की जो विंड होगी, इसे बोला जाएगा, क्या सही बनाया मैंने, ऑफशोर ब्लोइंग टुवर्ड्स द सी फ्रॉम द लैंड, लैंड से इधर की जा रही है ऑफशोर विंड्स। चलिए नेक्स्ट, ये तो ईजी आपके लिए। श्रीजा भी कंग्रेचुलेशंस, पे अटेंशन गाइस, कीप इट अप। Okay, what is the hint? Okay, everybody got it right. Good job. Wonderful. Yeah, easy peasy. Lastly, तो क्या सबने कर ही दिया है, तो मैं इसको डिटेल में पढ़ लेता हूँ इधर। Lastly, by the end of Cold War and the fall of the Soviet Union, it was argued by many scholars, उस टाइम पर argue किया गया था, that a liberal democracy with access to a free market is the best way to organize societies. कि एक ऐसी डेमोक्रेसी जो लिबरल है, जो हर आइडियाज़ को, हर धर्म को, हर हर सोच को, ठीक है, एक्सेप्ट करती है और सबको पनपने का मौका देती है। लिबरल सोसाइटी, डेमोक्रेसी विद एक्सेस टू फ्री मार्केट, बेस्ट टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी। अब फ्री मार्केट यहाँ आया हुआ है कि यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम फ्री मार्केट कर रहे हैं, फ्री ट्रेड की बात हुई है उनकी। चलिए, गुड जॉब, कीप वॉचिंग टिल द एंड। अभी केबीसी खेलने वाले हैं, प्रसाद लेके जाइएगा, भाग जाते हैं, बहुत सारे कमजोर लोग हैं आप में से, ठीक है। मैं आज आपको चैलेंज दे रहा हूं कि डरिए मत, लास्ट तक देखिए। ओके, बेस्ट टू ऑर्गेनाइज एन आइडिया दैट ऑल नेशन शुड परस्यू अनइक्विवोकली। देखिए, इक्विवोकल का मतलब होता है दो रास्ते, समझ गए, टू थॉट्स, टू आइडियाज, टू डिफरेंट, तुम इसके भी हो, तुम उसके भी हो। एक पड़ोसी होता है तुम्हारे यहाँ बैठ के उसकी बुराइयाँ करता है, वही पड़ोसी दूसरे वाले के यहाँ जाकर के वही तुम्हारी बुराइयाँ करता है। एक बंदा है उनके यहाँ भी बैठता है, तुम्हारे यहाँ भी बैठता है, ऐसे बंदे से दूर रहना हमेशा जिंदगी में। अगर कुछ बनो, इफ यू वॉन्ट टू बी समथिंग, ऑलवेज बी अनइक्विवोकल। वन धर्म, वन आइडिया, वन नेशन, वन थॉट, वन लाइफ, वन लव। ऑलराइट, तो अनइक्विवोकली इज अ गुड वर्ड। ग्लोबलाइजेशन, इट वॉज इन्विसेस्ड, प्लान किया गया था इन्फाइनाइट एक्सपेंशन वुड लास्ट फॉर एवर एंड नेशनल सिटीजन्स विल इवेंचुअली बिकम ग्लोबल सिटीजन्स। इट वॉज इन दिस वर्ल्ड दैट द मैस्ट्रिश ट्रीटी ऑफ 90s लेड टू द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोप विदाउट फ्रंटियर्स, एक ऐसा यूरोप जिसमें कि कोई भी फ्रंटियर्स नहीं है, कोई भी यू नो उसकी बाउंड्री नहीं है, कोई भी एक्सेस कर सकता है फ्री। या वन लव, चलिए, लेड टू द क्रिएशन ऑफ, बट विद ब्रेक्सिट वेयर डू द सिटीजन्स ऑफ यूके गो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंचुरी द यूके फेस दिस कॉन्स्टेंस टुगेदर विद एन एडिट बर्डन ऑफ द कोविड 19 पैंडेमिक। विल हैव टू लर्न टू पास इज अस्टाउंडिंग हेल स्टॉर्म, बहुत ही खतरनाक सरप्राइजिंग हेल स्टॉर्म, एंड बिकम अर्थ बाउंड एज फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट ब्रूनो लेटर कॉल्स इट, एंड रीथिंक इट्स ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप इट विल हैव विद इट्स लैंड। चलिए गाइस, अनइक्विवोकली इन अ वे दैट लीव्स नो डाउट। मोहब्बत हो अनइक्विवोकली, स्टडीज हो अनइक्विवोकली, किसी को सपोर्ट करो अनइक्विवोकली, नेवर बी द गाय इन द लोकेलिटी, ठीक है,
जिसके दो तरह का होता है बंदा, डबल फेस्ड गाइस, इनविसिस्ट कंटेम्प्लेट प्लान कंसीव एन आइडिया अस्टाउंडिंग सरप्राइजिंगली. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर ओके रीचिंग आर केवीसी सेगमेंट. लेट्स वेलकम द केवीसी सेगमेंट. सो वी हैव बीन डिस्कसिंग यूरोपियन यूनियन, ओके, यूनाइटेड किंगडम, सेपरेशन हुआ है, डाइवोर्स हुआ है. डाइवोर्स में यह हुआ है कि जी हम यू नो एक दूसरे के घर पर आराम से आ जा सकते हैं, हमारे बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. डाइवोर्स तो हो गया है लेकिन बिजनेस साथ में कर सकते हैं. यूरोपियन यूनियन 1990s में बनाया गया था ये सोच के साथ में कि सब लोग आ सकते हैं जा सकते हैं. अब यूके अकेला पड़ गया है इस पूरे एरिया में, तो कैसे होगा सब कुछ, उस पर ऑथर को डाउट हो रहा है. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. हाँ ये तो है, लव बर्ड सुनते ही सब बह जाते हैं, नदी बह जाती है. गीता जैनवाल, श्योर श्योर आप डेली आया करो गीता, कमेंट किया करो, मैं पक्का करूंगा. ये लोग समझ जाते हैं, ठीक है, आप डेली आइए और खुद को भी पुश कीजिए समझने का. और हमेशा हर रोज कमेंट करके जाइए, गीता जी मुझे पता चलना चाहिए कि आप रेगुलर हैं यहाँ पे, हमारी दुनिया के हैं आप, ठीक है. और इस क्लास से इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी जिसका जवाब नहीं. गुड जॉब. अबाउट यूरोपियन यूनियन, ओके, सो द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल प्राइमरली डिस फोकसिंग ऑन यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन, बोलिए यूनाइटेड किंगडम. तो तुम नोटिस करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आइडिया ब्रिटेन को लेकर के है, वहाँ के लोगों को लेकर के है. यूरोपियन यूनियन तो बड़ा थॉट है, हमारा तो इस पर फोकस था, ठीक है, इस पर फोकस है, इस पर नहीं है. तो प्रोविजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज वन की एस्पेक्ट, नॉट कंप्लीट आइडिया. बट अगर यहाँ पर लिखा होता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट EU एंड UK, देन इट इज गुड, अदरवाइज नॉट. Access to free market, very generic, not to the point, nothing giving. पता नहीं चल रहा किसके बीच में हो रहा है. The withdrawal of the UK from the EU. ना, withdrawal तो बहुत पहले हो गया था, withdrawal पर focus बिल्कुल नहीं है. Okay, withdrawal पर focus बिल्कुल नहीं है. अलग होने के बाद after divorce, Britain is going to face difficulty. The people are going to face the difficulty. Okay, so that is what the question is. Hence, B correct answer. Number two. चलिए गीता जी, अगर आप चले जाते हैं आपकी चॉइस है. आप पुराने कम से कम 500 वीडियो देखिए. अब कमजोर लोग तो वैसे भी समझ रहे हो भटक जाएंगे. चलिए आंसर प्लीज.
या गुड जॉब गाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. कौन सा मीनिंग सही दे रहा है. ओवर द फोर ईयर द हिस्टोरिक रेफरेंडम हेल्ड इन द 2000 सिटीजंस ऑफ यूनाइटेड किंगडम डिसाइडेड टू लीव द यूरोपियन डिसंबर. ओके एंड फाइनली स्टक. ओके ओके एज अ पार्ट ऑफ द रेडिक्शन. चार साल के बाद में अभी डिसाइड किया है ठीक है कि फ्री ट्रेड होगा. ऑलराइट एक डील हुआ है. फाइनली द यूके एंटर्ड इनटू प्रोविजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन एज पार्ट ऑफ देयर ब्रेक्सिट दैट टुक प्लेस फोर ईयर्स अगो. ऑलराइट आफ्टर लीविंग यूरोपियन यूनियन ठीक है आफ्टर लीविंग यूरोपियन यूनियन 2016 ठीक है द यूके एंड द यू फाइनली वर्कड आउट अ डील. ओके वर्कड आउट डील एज पार्ट ऑफ देयर ब्रेक्सिट डील आफ्टर डिसाइडिंग टू लीव द ईयू. ऑलराइट आफ्टर डिसाइडिंग टू लीव द यूरोपियन यूनियन. हाँ देखो ये सही जा रहा है. हाँ इन दिसंबर 2020 यूके कट अ डील विद यूरोपियन यूनियन एज पार्ट ऑफ देयर ब्रेक्सिट. ये सिर्फ 2016 पर फोकस कर रहा है और हमारी कहानी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि डील कब हुआ ठीक है. हेंस ही करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ दिस पार्ट दिस हैपेंड. यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन पहले हट गया था. हटने के बाद दिसंबर 2020 में ये ट्रेड डील हुआ है. सो दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट. सी करेक्ट आंसर है. चलिए नाउ हटाइए. स्ट्रक अ डील मेक एन एग्रीमेंट कट अ डील मेक एन एग्रीमेंट. चलिए सी करेक्ट आंसर था. नंबर थ्री पे चलिए. विकास चौधरी तीन दिन में 9 वीडियोस देखे हैं. दोस्त बताइए समझ में आ रहा है. विकास अच्छा लग रहा है जरूर बताइएगा. देखिए गाइस व्हाट कैन बी इलस्ट्रेटेड फ्रॉम द स्टेटमेंट. व्हाइल द रिसेंटली कंक्लूडेड ट्रेड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन यूके एंड ईयू चार्टेड आउट द की एस्पेक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नेंस एंड द रूल्स फॉर द इन्फोर्समेंट बिटवीन टू पार्टीज. ठीक है अभी कंक्लूड हुआ है दिसंबर 2020 में. एग्रीमेंट हुआ ट्रेड को लेकर के यू और यूके के बीच में ठीक है. एट अ ब्रॉडर लेवल यूके में नाउ और ऐसा होने के बाद में यूके को प्रॉब्लम होगा ठीक है. फोर्स टू फेक कॉन्स्टेंट इट हैड ओरिजिनली स्किप्ड. पहले क्या होता था कि इसके पास जो वो जो घोस्ट हेक्टेयर जो लैंड है उसको यूज करता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन अब प्रॉब्लम होगा इसको. पहले जिन प्रॉब्लम से बचता रहा ना यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन जो बचता रहा अब उसको वो प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ेगी इस डील के बाद. द ट्रेड एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट दैट वॉज मेड बिटवीन द यूके एंड यूनियन एस्टैब्लिश द कोर्स ऑफ रूल दैट शुड बी अडेयर बाय बोथ पार्टीज. हाँ दोनों को फॉलो करना चाहिए ये बात तो यहां लिखी हुई है तो इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है. देर इज नो चेंज. द रीसेंट ट्रेड डील ऑरिजिनेट्स द की एस्पेक्ट ऑफ एवरी डे गवर्नेंस एंड द रूल्स फॉर इंश्योरिंग डिफाइंस. कह रहा है कि फॉलो नहीं करेंगे. विल नॉट फॉलो. विल नॉट फॉलो. My point is wrong. This sentence does not follow. Defiance नहीं चाहिए बाबा. Adhere चाहिए. Follow चाहिए. With the recent trade deal reached between the UK and UK may now have to encounter complications. हाँ complications होंगे UK को. तो A and C D correct answer है. Good job guys. Number 4. Keep it up. Keep it up. ये क्वेश्चन पसंद आते हैं आपको. सुबह ही सुबह एडिटोरियल में आपको क्वेश्चन मिलते हैं. कैसा लगता है दूसरों को बताया करो. मुझे पता है आपको अच्छा लगता है ठीक है. सबको बताओ जा करके. इंटरनेट पे बड़ा आसान है सबको बताना. अपने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे आपको क्लास पसंद आती है जरूर बताओ.
अक्षमा जी इतना जल्दी गिव अप मत कीजिए, हिम्मत रखिए, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू द गिवन स्टेटमेंट विच कौन सा ट्रू है, हिस्टोरियन ठीक है अपनी बुक में इस बात को आर्ग्यू करता है, डिबेट करता है, डिस्कस करता है, द ग्रेट डाइवर्जेंस ठीक है उसने सॉल्व कर दिया था, सॉल्व इट्स अ लैंड प्रॉब्लम बाय एंकरिंग घोस्ट एक्टर्स, ठीक है उसने घोस्ट एक्टर सजेस्ट कर दिया था, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी इन द अमेरिकाज वेयर इट कुड एक्सप्लॉइट द लैंड लेबर कैपिटल ऑफ द कंटिनेंट। Which of the following is true? According to the historian, in the 19th century, the Britain established a land in the America in order to solve its own land problem. Yeah, Britain, America में जाकर के land का कर लिया इंतजाम और उसका problem solve हो रहा था. The Britain established a land in America in the purpose of growing crops and feeding animal. Yeah, animal crop का मतलब ghost actors. करेक्ट करेक्ट अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन कहते हैं द ब्रिटिश एक्सप्लोर्ड द लैंड इन अमेरिका ऑल ऑफ द अबव अलक निरंजन ऑल ऑफ द अबव आई डोंट नो व्हाई यू आर गोइंग फॉर एबीसी ऑल थ्री स्टोरीज आर रिटन हियर इफ यू एग्री से यस अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन अगेन ऑल थ्री स्टोरीज आर रिटन हियर कम ऑन गाइस देयर इज वन हिस्टोरियन द नेम इज हु इज दिस गाय केनेथ उसकी बुक है द ग्रेट डाइवर्जेंस उसमें उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है लैंड प्रॉब्लम घोस्ट एक्टर बना दिया अमेरिका में जाकर के तो अपना जो ब्रिटेन है अपना जो यूके है उसको लैंड कहाँ मिल गई अमेरिकाज में उससे क्या है उसको एंजॉय मार रहा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ये तीनों बातें वहीं लिखी हुई हैं। नंबर फाइव वी डिस्टॉर्शन है सुवन आर्यन चलिए द ब्रिटेन ने एस्टेब्लिश किया लैंड अमेरिका में किस पर्पस के लिए क्रॉप्स और एनिमल के लिए यही तो किया था इधर ठीक है जो एनिमल्स कहां पे हैं ब्रिटेन के जो एनिमल्स हैं ठीक है उनके लिए जो क्रॉप होता है घास फूस होता है उसने उधर लिया था सही तो है। नंबर फाइव अरे बाबा वो बिदिन किसके लिए है एनिमल कहां के एनिमल अब इंडिया के एनिमल को तो चराने जाएगा नहीं ब्रिटेन ब्रिटेन अपने एनिमल का ध्यान रखेगा ना भाई तो बिदिन ब्रिटेन नहीं होंगे एनिमल। डाउट देख लिया क्लियर हो गया कि नहीं बोलो तुम लोग समझते नहीं हो ठीक है ये सिनेमा हॉल है और ये स्क्रीन है यहां लोग बैठे हुए हैं सोहन अक्षमा चलिए ये सोहन बैठा है अपनी वाली के साथ ये अक्षमा बैठी है अपने वाले के साथ और अपनी वाली के साथ मेरा पॉइंट ये है तुम इसको इसके साथ क्यों लगा रहे हो इसको इसके साथ क्यों लगा रहे हो तुम इस पे फोकस करो ना सोहन भाई कहाँ नजर फैला रहे हो इधर नजर फैलाइए ना इसका हाथ पकड़िए तुम इसका हाथ काहे पकड़ रहे हो चलिए और किसको मूवी देखनी है बताओ आपको भी बिठाता हूं देखना चाहते हो मूवी चलिए नेक्स्ट नंबर फाइव चलिए नाउ फोकस ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन
इस देश को हुआ क्या है, चारों तरफ धुआं ही धुआं है। ये नशे की लत, कौन सा नशा, गलत आंसर करने की जो लत आपको लगी हुई है। कौन सा पानी पी रहे हैं आप, कैंटारो या हैंडपंप का, क्योंकि दिमाग आपका करप्ट हो चुका है। विद रेस्पेक्ट टू द गिवन पैसेज, व्हाट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन क्यों बना था, 1990s वाला क्यों बना था, समझ गए। चलिए, इट वॉज इन्विसेस्ड, ये वर्ड भी आया था उधर, अभी शब्दों को तो पहचान लेते। दैट द इन्फाइनाइट एक्सपेंशन वुड लास्ट फॉर एवर, ये जो एक्सपेंड होने वाला है ये फिर हमेशा चलेगा, ठीक है। एंड नेशनल सिटीजन्स विल इवेंचुअली बिकम ग्लोबल सिटीजन्स, ये सोचा गया था उस टाइम पे 1990s में जब यूरोपियन यूनियन बना था। ये पूरी की पूरी लाइन वहां लिखी हुई थी, आई कैन शो यू इन द पैराग्राफ इफ यू वांट। अब यूरोपियन यूनियन 1990s में नहीं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, यहां बना था 1900 के स्टार्टिंग में बना था, तुम 1970 कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ठीक है। पैराग्राफ इसी बात को तो चैलेंज है ना, मैं आपको पैराग्राफ दिखाऊं, क्वेश्चन कर रहा हूं, पैराग्राफ दिखाऊं, अभी तो मैं आपको अपाहिज बना रहा हूं, मतलब नो ऑफेंस टू यू नो लाइक जो लोग प्रॉब्लम होती है, मेरा कहने का मतलब कि मैं आपको स्ट्रांग बनाना चाहता हूं ना। आपके सामने बेटा देखो आंसर सी लिखा है, हाँ बेटा इधर आंसर सी लगा दो, इधर देखा ना आपने, ऐसे कमजोर बनोगे, डू यू अग्री। इफ आई शो यू वन टाइम पैराग्राफ, सो तुम्हारा माइंड उसे कैप्चर करने की कोशिश करेगा पूरा एक ही बार, क्योंकि दोबारा नहीं देखने को मिलने वाला। हाँ आदत डालिए, एक ही बार पैराग्राफ पढ़ाता हूं, आदत डालिए खुद को इंफॉर्मेशन याद करने का। नंबर 6, चलिए डरिए मत, डर गए तो बर्बाद हो जाओगे, हिम्मत रखो पढ़ते रहो। Which of the following ways were some of the given article? Yeah, good job. After Brexit होने के बाद में UK में को प्रॉब्लम हो सकता है, yeah. जिन प्रॉब्लम्स को पास्ट में इजिली वो ओवरकम कर गया था, वो प्रॉब्लम्स अब भूत बन के आ रही हैं। यूके को अलग होने के बाद में प्रॉब्लम हो रहा है जी, होगा। So B is correct answer. Any other answer? Now, good job. I'm proud of you. Last question on the screen. और कैसा लगा आज का क्लास? जरूर बताइएगा. What is the tone of the given passage? Disgruntled. आज मेरे से बहुत गुस्सा हो गए कि सर ने बहुत सुनाया, ठीक है, और पैसा बहुत कम कम आया, ठीक है। Out of 7 crore, ठीक है, आप लोग कुछ लोग 5 crore लिया होगा, कोई 4 crore लिया होगा, कोई 6 crore, 7 crore कोई है तो जरूर बताना, ठीक है। डिसग्रंटल्ड होंगे, गुस्सा होंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे, नॉट हैप्पी, और बहुत इरिटेटेड फील कर रहे होंगे कि आज 3 crore का नुकसान हो गया मम्मी, ठीक है। और कंटेनर मतलब सेटिस्फाइड, ठीक है। एक्सिलरेटेड का मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, सेटिस्फाइड, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, और कमेंट्री द डिस्क्रिप्शन, द डिस्कशन, द डिस्कशन ऑफ द इवेंट्स, ठीक है, एज इट इज हैपनिंग। अब बोलिए कहानी क्या थी, यूके यूरोपियन यूनियन, ठीक है, एंड डील ट्रेड, डील
यू के जो मे फील, ठीक है, इशूज, मतलब मे फेस इशूज, एफ ए सी ई फेस इशूज, ये मैन मैन थॉट था। तो इसको हम कमेंट्री करेंगे। इरीटेट हो रहा है ये यूके, यूके तो खुद अपनी मर्जी से अलग हुआ है ना, तो इरीटेट होने की बात ही नहीं है। कुछ इशू आ सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। डिससेटिस्फाइड, कंटेंट खुश है, खुश है, कमेंट्री ये करेक्ट आंसर है भाई। श्रुति गुप्ता, बिग बी की आत्मा जाती है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे मज़े करते रहिए। ये हमारा कामयाबी बैच है, कल लॉन्च हो रहा है 5th of March को। सब लोग आ जाइए, जिन्होंने इनरोल नहीं करा है प्लस कोर्स में, आप भी कर लीजिए, ठीक है। और अपने नॉलेज है डेडिकेट करते रहते हो, सो थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर द रिस्पेक्ट। चलिए, टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा आज के क्लास का। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, यू गाइज आर ऑसम। ठीक है, जब तक जॉब नहीं लग जाता, कीप वॉचिंग। ओके, कहानियाँ में बहुत दम है, भरोसा कर लीजिए, चैम्पियन बन जाओगे। ठीक है, गलत हो जाते हो कोई बात नहीं, इसका मतलब है तुम्हें और सीखने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी मोर अटेंटिव, यू नीड टू एनालाइज बेटर, यू नीड टू मेमोराइज बेटर। ओके, गलत होने का दैट इज़ द मीनिंग ऑफ गेटिंग रॉन्ग आंसर। यू आर लाइक, गलत आंसर हो रहे हैं, फिनिश नाउ। इफ़ यू आर गेटिंग रॉन्ग आंसर, दैट मीन्स I need to be careful, I need to be attentive, I need to be focused, I need to learn the keyword, I need to memorize better, I need to learn to retain information, I need to learn, you know, using elimination method. Do you understand? All the best. Let's crack it. Make sure you like, thank you. Like the video, share the video, and फिर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इस चैनल को नंबर वन बनाना है, आप और मैं साथ में मिलके। हाई फाइव। चलिए गाना सुनिए, लेट्स दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधन सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, एक ही आस। पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। तू काने है बड़ी, इनकी भोकते बड़ा भारी है, पीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देखो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन, इनकी तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोर, तेरे हाथ पे ही सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया खूब।